हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का खा गा। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है हिंदी पर, है ये हिंदी का ही सब्जेक्ट जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कई स्टूडेंट को नहीं पता कि सर मुझे कौन सी हिंदी मिली, तो आप अपने एडमिट कार्ड पे देखिए कि माँ का लिखा है, खा लिखा है या गा लिखा है। ठीक है, वैसे तीनों हिंदी 99% एक ही है, सब चैप्टर्स का फ़र्क है, बस पैटर्न तीनों का सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, देखिए हमने बहुत कोशिश की कि आपको लेटेस्ट पैटर्न हम दिखा सके, पर लेटेस्ट पैटर्न हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि ये जो हिंदी है, दो तरीके की हिंदी इस बार दी गई है। बीकॉम प्रोग्राम वालों को जो हिंदी दी गई है वो है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास और उद्भव और विकास, और बीए प्रोग्राम वालों को दो तरह की हिंदी दी गई, एक दी गई हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास और एक दी गई हिंदी भाषा और साहित्य का खागा, ऐसी हिंदी दी गई है। तो इसका हमें पैटर्न मिला ही नहीं, बट आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसका पैटर्न डिस्कस करो, पैटर्न डिस्कस करो। तो हमने क्या सोचा कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर वो हमने उठाया है, इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले ही बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसके अलावा आज मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसका पैटर्न कैसा होता है कुछ चेंजेस के साथ, क्योंकि मैं अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि काफ़ी हेल्प आपकी हो जाए ये इस पेपर में। वैसे तो मेरा इरादा नहीं था कि इसको मैं डिस्कस करूं, क्योंकि मुझे लेटेस्ट पैटर्न नहीं मिल पाया। ठीक है, तो उसके लिए मैं खेद चाहता हूँ। बाकी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते भी, तो देखिए पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य, यानी हिंदी ए का। अब देखिए जितने भी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ये पेपर 75 नंबर का नहीं होगा, ये पेपर आपका 90 नंबर का होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा, सभी प्रश्न आपको करने होंगे। तो पहले जो प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा कि एक आपको प्रसंग दे दिया जाएगा, आपने क्लासेस में भी देखा होगा, अगर आपने स्कूल में हिंदी या संस्कृत ली होगी तो एक आपको ऐसे 4 लाइनें दे दी जाती हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या मतलब ये संस्कृत में लिखा हुआ है एक तरीके से, और इसको आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी सेम आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हिंदी ए में, मैं हिंदी बी भी डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिए। किसी एक कवि की साहित्यिक परिचय दीजिए, जैसे मैथिली शरण गुप्त भी हो सकता है, जयशंकर प्रसाद भी हो सकता है। तो ये आपकी किताब में से हो गया, आप देख लेना, आप अपनी किताब जरूर पढ़ के जाना। अगर आपके किताब नहीं है तो बी ए प्रोग्राम के सेक्शन में जाके ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लीजिए सोल की वेबसाइट से। ठीक है, तो एक कवि का परिचय भी पूछ सकता है, इसके अलावा कबीर के बारे में कोई कबीर की कोई पोएम होगी उसके बारे में पूछ लेगा, उसके ऊपर विकास विचार मतलब उसके बारे में विचार दीजिए। मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, ऐसे ऐसे आपके में पोएम है सारी, मतलब कविताएं हैं आपके चैप्टर्स हैं, उनसे पूछेगा। उसके अलावा देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें एक नए तरीके का क्वेश्चन और बनता है, इसमें क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ सकता है, मतलब कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, उद्भव कहाँ से हुआ। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा तो चेंज है। देखिए मैं आपको बता दूँ, साफ सीधी बात बताता हूँ, क्योंकि 70% जो पैटर्न है यही है, 30% चेंजेस ये रहता है कि एक दो क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, मतलब कुछ चैप्टर्स बढ़ा दिए जाएंगे, इसलिए आप अपनी बुक पढ़ के जरूर जाना, बाकी पैटर्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो हिंदी बी, ये देखिए हिंदी बी का है खा। ठीक है, ये भी पेपर आपका 90 नंबर का होगा, इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, तो सेम इसमें भी वही है। देखिए तीनों में आपका जो पैटर्न है ना वो एक ही जैसा है, आप देखिए इसमें भी मतलब आपको प्रसंग की व्याख्या करनी है, मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। देख कबीर दास और तुलसीदास के काव्य का सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, तो हिंदी के ऊपर है पूरा पेपर। देखिए हिंदी का उद्भव, देखिए ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, टिप्पणी लिखी है। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी का उद्भव, खड़ी बोली, आदिकालीन कविता के ऊपर निबंध, कृष्ण भक्ति काव्य, रीतिकाल, प्रयोगवाद, ये तो हिंदी भी। फिर था आपका हिंदी सी, ये भी बीए प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर का पिछले साल का, ये पेपर भी आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए पहले नंबर पर वही है, प्रसंग की व्याख्या कीजिए। तो तीनों मिलती जुलती है, 19-20 का फ़र्क है, बस चैप्टर्स का फ़र्क है। सेम इसमें भी वही है, देखिए सेम इसमें भी आपसे कवियों के साहित्यिक परिचय पूछ लेगा, उनके भाव पूछ लेगा, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे बनते हैं। फिर आप टिप्पणी पूछ लेगा, निबंध लिखिए इनके ऊपर,
हिंदी भाषी राज्य, हिंदी का सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का भक्ति काल, है ना। तो ये आपका पूरा ऐसा रहने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा आपका पैटर्न है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए मुझे लेटेस्ट पैटर्न नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश की, बट मैंने सोचा कि आपको खाली नहीं जाने दूंगा, कुछ तो आपके साथ शेयर करूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं, आप अपनी बुक पढ़ के जाइए, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हिंदी साहित्य का के, बाकी का खा गा तीनों एक जैसी हिंदी है, अपने अपने हिंदी के हिसाब से पढ़ के जाना, पैटर्न आपका ऐसे ही रहने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक।